अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, हैं कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मक्कारों की पोल खोल कर, अरे मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप पूछेंगे कि ये झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद जो हमेशा गांव के लोगों की फिकर करता रहता है और लोगों से चिढ़ता रहता है, वो अचानक आज खुश कैसे हो गया? भाई खुश होने वाली बात ही है कि हमारे ब्लॉक में पहली बार किसी गांव में महिला सरपंच चुनी गई है और वो है कुसुम बहन। कुसुम बहन ने बहुत कुछ सहने के बाद आखिर अक्षर ज्ञान का महत्व समझा और न सिर्फ खुद समझा बल्कि दूसरों को भी समझाया। आज यहाँ इसी चौराहे पर उनका सम्मान समारोह है, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी आ पहुंचा हूँ। समारोह आरंभ होने से पहले मैं कुसुम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उस समय की कुसुम बहन के बारे में जब वो महिला सरपंच नहीं थी और न ही उन्हें पढ़ना लिखना आता था, उन्हीं दिनों उनके साथ एक बड़ा बुरा हादसा हुआ था और इसी चौराहे पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उसी मुलाकात के अंश आपको दिखाता हूँ। कुसुम, कुसुम बिटिया, मैंने सुना तो यकीन नहीं कर पाया कि तेरे पति की मौत भरी जवानी में ही हो गई। भगवान इस दुख की घड़ी में तुझे शांति, धीरज और हिम्मत दे, लेकिन तू है बड़ी बहादुर। अभी से काम पर भी लग गई? क्या करे कक्का जी, अब जो होना था हुआ, अब रोते रहने से काम थोड़े ही चलेगा। तू सब काम कर लेती है, खेती बाड़ी, फसल को मंडी पहुंचाना, खाद और बीज लाना वगैरह वगैरह। कक्का जी, आदमी चाहे जिंदा हो या नहीं, हमारे यहाँ ज्यादातर काम करता ही कौन है, सभी काम औरतें ही तो करती हैं। और रही बात मंडी जाने की, सो उतनी पैदावार कहाँ होती है। कुसुम, तुम जितनी बहादुर हो बोलने में भी उतनी ही स्पष्टवादी भी हो। कक्का जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरे आदमी ने कभी खेतों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसकी पैदावार से तो मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। अच्छा तुझे हिसाब किताब रखना आता है, पैसों का हिसाब किताब? बस यहीं पर तो हम औरतें मार खा जाती हैं, उन्होंने कभी बाहर जाने ही नहीं दिया और ऊपर से मैं ठहरी अनपढ़, और अब पढ़ लिख कर करना ही क्या है। अरे पढ़ने लिखने में तो तेरा फायदा ही है, हिसाब किताब रखने के अलावा इसके और भी कई फायदे हैं। होते होंगे, पर इस उम्र में अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता, पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या भला? अब इस उम्र में क ख ग करना क्या अच्छा लगेगा? अरे पगली, इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है,
ये तो जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। आप भी क्या रामायण लेके बैठ गए कक्का जी, मुझे नहीं पढ़ना वढ़ना। ठीक है, मुझे जो बताना था बता दिया, अब तेरी तू जाने। कक्का जी आप तो बुरा मान गए। बुरा तो नहीं लगा, पर हंसी जरूर आ रही है कि हम जिसके फायदे की बात कर रहे हैं वो कुछ समझती ही नहीं। अच्छा बाबा, अब आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ लूंगी बस। अच्छा अच्छा, पर मिलती रहना। तो ऐसी थी कुसुम, लेकिन देखो आज की कुसुम सरपंच हो गई है। ग्रामजनों, उपस्थित मेहमानों और आदरणीय कक्का जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहां पर हमारी नई सरपंच कुसुम जी का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आसपास के सभी गांवों में कुसुम जी पहली महिला सरपंच है, इसके लिए हम सबको गर्व है और हम उनका अभिनंदन करते हैं। आप सब जानते हैं कि कुसुम जी ने किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंची है। आप सबका ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं हमारे जिलाधिकारी जी से विनती करता हूँ कि कुसुम जी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। भाइयों और बहनों, मेरा इस जिले में नया ही तबादला हुआ है, जैसा आप सब जानते हैं, इसलिए मैं आपकी नई महिला सरपंच से ज्यादा परिचित नहीं हूं। आप लोगों को कुसुम जी पर विश्वास है और इसी विश्वास को कायम रखने के लिए कुसुम जी का चुनौती भरा सफर अब शुरू हो रहा है। अध्यापक महोदय जी ने मुझे अभी अभी बताया कि कुसुम जी ने इस पद तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया है, लोगों का विश्वास जीता है, पाया है। ऐसे अवसर पे मैं कुसुम जी से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वयं आप सभी को संबोधित करें। कुसुम जी, ग्रामवासियों और मंच पर उपस्थित महानुभावों, आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मेरा आप सबको धन्यवाद। रही बात मेरी कहानी की, सो वो तो कक्का जी ही बताएंगे जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुसुम बिटिया की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा देने वाली है। तो देखें कुसुम की कहानी। कुसुम रानी, अरे ओ कुसुम रानी, इतना भारी सामान उठाए कहां जा रही हो? ला, अरे मुझे दे, इतना सारा बोझ अकेले से नहीं उठाया जाएगा। ओए, तू फिर आ गया मेरे रास्ते में? कितनी बार कहा है तुझे मुझे परेशान मत कर वरना। हाँ वरना क्या, मुझे मारेगी। ले ले मारना। अरे ले, छोड़, अरे, 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 छोड़ मेरा हाथ। छोड़, अरे तेरी तो मार भी प्यारी लगती है। छोड़ मेरा हाथ। ले, ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है मैंने, कहा मान जाना। देख 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 कुसुम, मैं कंवारा तू विधवा, पर हैं तो दोनों जवान। तू समझ रही है ना, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छी तरह से समझ रही हूँ तू क्या कह रहा है। मेरे हाथों का एक जोरदार थप्पड़ काना चाहता है तू, और कुछ नहीं, और ये मैं अभी दे देती हूँ।
छोड़ दे। से समझ आता हूँ तो मानती नहीं। कह दे हूँ छोड़ दे मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ठहर ठहर। अरे जा रे, छोड़। अरे छोड़, जा कलमुए छोड़। कोई बात नहीं, भग कर जाएगी कहाँ? आखिर रहना तो तुझे इसी गांव में है कुसुम। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। अरे ये क्या हुआ तेरे सर पर, चोट आई है क्या? अरे नहीं भैया, कुछ भी नहीं हुआ है। इधर आ देखूं क्या हुआ है। अरे ये तो बड़ी गहरी चोट लगी है, क्या किसी से फिर झगड़ा किया है आज? बता सच सच बता, किसी को आज फिर मारपीट कराया है क्या? अरे नहीं भैया, गिर गया था। अरे ऐसे कैसे गिर गया था, पी रखी थी क्या? आपको तो पता है भैया, मैं कभी नहीं पीता। हाँ दारू का नशा तो कम ही पड़ता है तुझे, तुझे तो वो नशा आजकल लगा रहता है हमेशा। क्यों वो नशा? वो कौन सा नशा भैया? अरे मुझसे अनजान बनने की कोशिश मत कर, क्या हर वक्त छोरियों के पीछे भागता फिरता नहीं है? नहीं तो भैया। अरे आप तो गलत समझ रहे हो, आपको किसने बताया? मेरे घर में क्या चल रहा है वो ही मुझे पता न हो तो मेरी तो 10 साल की हवालदारी गई पानी में। क्या क्या पता है आपको, क्या चल रहा है आपके घर में? कुछ भी तो नहीं। सुना है आजकल वो क्या नाम था उसका, वो जो 2 महीने पहले मर गया, जोगड़ा। हाँ जोगड़े की औरत, कुसुम के पीछे तू चक्कर काट रहा है ना? कैसी बात करते हो भैया, मुझे तो सुनकर भी शर्म आती है। करते शर्म नहीं आती, सुनते शर्म आती है। भैया बता ये सच है कि नहीं है? देख मुझसे छिपा मत, अरे मैं तो तेरी मदद करूंगा, अभी तेरी उम्र है ये सब कुछ करने की, तू नहीं करेगा तो इस उम्र में क्या मैं करूंगा? पर गांव की विधवा औरत के सामने देखूं तो गांव वाले छोड़ेंगे मुझे। कौन रोकता है तुझे बता, अभी अंदर कर देता हूँ। अरे मैं इस इलाके का राजा हूँ क्या समझा? सरकार ने बनाया है मुझे हवालदार, पर हूँ मैं यहाँ का राजा, तू चाहे जितने मजे कर, मैं बैठा हूँ ना तेरे पीछे। भैया सच बताऊं तो ये चोट उसी कुसुम की कारण लगी है, लेकिन लेकिन उससे भी बड़ी चोट तो यहाँ लगी है, एक औरत। भैया एक औरत मुझे मारकर भाग गई और मैं कुछ कर नहीं सका। मारकर भाग गई? कहाँ कैसे? मैंने तो उसे प्यार से बात की थी पर उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझसे भी रहा नहीं गया। आप ही बताइए भैया, वो मुझे थप्पड़ मारे और मैं उसे देखता रहूं? फिर क्या? फिर मैंने भी उसको पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त क्या पता क्या हो गया, मुझे गिरा कर वो भाग गई, उसी वक्त ये चोट आई है। ना मरद, पर भैया औरत को संभाल नहीं पाया। अरे तूने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। छी तू मेरा छोटा भाई है? नहीं नहीं नहीं, तू मेरा भाई नहीं। पर भैया उसने मुझे ऐसा मारा कि मैं क्या करता? अरे सामने से 2 थप्पड़ मारकर बस में नहीं कर सकता था? बड़ा गांव में घूमता फिरता है छोरियों के पीछे। भैया बहुत चोट आई है ना? हाँ। ला मलहम पट्टी कर दूं। ओ, ओ, बोल अंदर कर दूं, 4 दिन में सीधी हो जाएगी। हाँ पर भैया आप उसे अंदर करोगे कैसे? अरे वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, वो रही अनपढ़, कहीं पर भी अंगूठा लगवा के कर दूंगा अंदर, वैसे भी हमें केस तो बनाने पड़ते हैं ना। तो डाल दो अंदर, मुझे मारती है टीटू को। भाइयों आज हम यहाँ गांव के छोरे टीटू की फरियाद पर विचार करने तथा उसका न्याय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मेरी विनती है कि टीटू अपने मुंह से अपनी फरियाद पेश करें। धन्यवाद सरपंच जी और आप सबको मेरा राम राम। मैं यहाँ एक छोटी सी फरियाद लेकर आया हूँ। आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं और पिछले 10 सालों से इस गांव की कानून व्यवस्था तथा यहाँ के लोगों की सुरक्षा के जिम्मेवार हैं, है कि नहीं? लेकिन आज जब मामला उनके घर तक आ गया तो कोई पुलिस कार्यवाही करने के बजाय
यहाँ पंचायत में फरियाद करना हमने उचित समझा। अब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं अपने मुंह से बता सकूं ऐसी स्थिति में ही नहीं हूं। मेरे भाई साहब ही आपको सब बताएंगे जी। ऐसा है कि ये जोगड़े की बेवा कुसुम को कुछ काम पड़ गया था तो खेत में हाथ बटाने के लिए मेरे छोटे भाई टीटू को उसने बुला लिया। अब ये बेचारा गबरू जवान अकल का कच्चा इस कलमुही का इशारा समझा ही नहीं और लग गया काम पे। वैसे मेरा टीटू बड़ा सेवा भावी है, किसी भी वक्त कोई भी काम बोलो वो मना कर ही नहीं सकता। हाँ, बड़ा मेहनती और भोला वाला है। बस यही बात इस कुलक्षिणी से सही नहीं गई। एक दिन ये बेचारा कहीं जा रहा था कि अचानक उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और पड़ गई मेरे टीटू के गले। बेचारा नादान कुछ समझ नहीं पाया, वो तो घबरा गया था। उसने कहा, कुसुम दीदी ये आप क्या कर रही हैं? हाय राम सरपंच काका, ये तो सरासर गलत बात कही इन्होंने। मैंने इसको कभी नहीं बुलाया, मैंने तो इससे जिंदगी में कभी बात नहीं की, उल्टा ये ही मेरे पीछे पड़ गया है। और सब जानते हैं टीटू कितना लंपट आदमी है, क्यों आप नहीं जानते बोलो? कुसुम तुम चुप रहो, तुमसे जब पूछा जाए तभी बोलो। चाचा कैसे चुप रहूं, ये तो सरासर गलत इल्जाम है। उल्टा इसने मेरा रास्ता रोककर मुझसे जबरदस्ती करनी चाहिए। साहब आप तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, आपका भाई ही गांव की औरतों के साथ ऐसी हरकत करता फिरे और आप उल्टा हम पर आरोप लगाएंगे तो हम कहां न्याय लेने जाएंगे? बदजात कुलक्षिणी, एक तो गांव के भोले भाले जवान छोरों को फंसाती है, ऊपर से पुलिस से जवान लड़ाती है। अच्छा तो तू ये कहना चाहता है कि ऐसा गंदा काम करने का ठेका तेरे भाई ने लिया है? ए अमर तू चुप रह, वरना क्या तू करेगा क्या बोल? और आप किसका न्याय करने बैठे हो, इस अकेली औरत का या उसका? सरपंच जी आप इसे रोको, ये क्या पके जा रहा है, मुझे मेरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। अबे हाथ नीचे रख, तू क्या मुझ पर हाथ उठाएगा? हाथ हमको भी उठाना आता है, पूछ ले तेरे ये लंपट भाई को, उसने अभी तो सिर्फ मेरी बहन के हाथ का स्वाद चखा है, आज तुम दोनों को उसके भाई के हाथ का स्वाद भी चखा देते हैं। आ जाओ। चल टीटू, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पंचायत में जाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सारे के सारे इन दो भाई बहन से डरे हुए हैं, अब इसके थप्पड़ का जवाब तो मैं दूंगा। अबे जा, तेरी धमकियों से कोई डरता नहीं यहाँ, और घर के अंदर छुपा के रखना तेरे इस टीटू के बच्चे को, अभी तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, कहीं और कुछ पड़ गया तो लेने के देने हो जाएंगे। चल निकाल। कुसुम, ओ कुसुम। कौन? इधर तो देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी खबर लाया हूँ। क्या हुआ? आप मेरे घर पर? अरे तेरे लिए बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ, सरकार ने गरीब तथा विधवा औरतों के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। हम जैसी औरतों को क्या पैसा मिलेगा? हाँ देखना, इस पर अंगूठा लगा दे, मैं आज ही तेरी अर्जी के कागजात जिला कचहरी भेज दूंगा। आप हम पर इतने मेहरबान काहे हो रहे हो, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? अरे किसी और से पढ़वा ले। ए भाई ये जरा पढ़ो तो, क्या इसमें गरीब विधवा स्त्रियों की आर्थिक सहायता के बारे में नहीं लिखा? हाँ वही तो लिखा है, क्यों? बस अब तो हो गई तसल्ली। अरे पागल, वो टीटू वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई, मैं तो कब का भूल गया उसे। दरअसल मैं मेरे भाई के कहने में आ गया था, पर असल बात जब मालूम हुई तो मैंने उसे बहुत डांटा। सही में? हाँ देख, उस दिन से टीटू गांव में कहीं नजर आता है तुझे? तूने देखा कहीं उसे? हाँ वैसे उस दिन के बाद वो कभी यहाँ आया तो नहीं। तू भी खामखा शक करती थी, ले चल अंगूठा लगा। कहाँ मारना है, यहाँ
आप कितने भले इंसान हो, पर साहब आपके भाई टीटू को समझाओ। वो मुझसे गलत व्यवहार करना चाहता था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसी कारण मेरा झगड़ा हुआ था उससे। पता है। कुसुम, मुझसे कोई बात छुपी थोड़ी रहती है। और तुझे देखकर उस जवान छोरे की तो क्या, अरे मेरी भी तबीयत बिगड़ जाए। साहब ये क्या कह रहे हो आप, हैं? ये क्या कह रहे हो? सब समझ में आ जाएगा। मैं नहीं, तेरा ये इकरारनामा बोलेगा जी। अभी जो तूने अंगूठा लगाया है वो कागजात बोलेंगे। जब अंदर हो जाएगी तब सब समझ में आ जाएगा। अंदर? अंदर का है, हवालात में? पर मेरा गुनाह क्या है? बहुत गुनाह है तेरे। पहला तो ये कि तू खूबसूरत है, और दूसरा ये कि तूने टीटू यानी मेरे भाई को थप्पड़ मारा, और तीसरा ये कि तूने यहाँ इस कागजात पर अंगूठा लगाया है। नहीं, आप ऐसी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, मैं नहीं आऊंगी। हाँ। चल, एक तो चोरी करती है, छोड़ दो मुझे, ऊपर से लोगों का मार भी देती है। मैंने कैसी चोरी की? मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे छोड़ दो मुझे, अगर अमर को पता चला मरो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ, अमर के नाम से डरा मत, अब तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अरे उसी के कारण तो इस पर तेरे अंगूठे का निशान लगवाया है। महिला आर्थिक सहाय योजना। सही बात है ना साहब? अबे साहब, आप तो कमाल के हो, अपनी जवानी में इतने रंगीन मिजाज हुआ करते थे, ये तो आज ही पता चला। अरे क्यों भाई, पुलिस रंगीन मिजाज नहीं हो सकती क्या? और गांव में ऐसी खूबसूरत औरत हो तो फिर बात ही कुछ और होती है। साहब इसको पकड़ कर लाए तो हैं, पर कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? अरे कैसे फंसेंगे, ये अनपढ़ लोगों का गांव, सरपंच तक पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे तो कई केस बनाए हमने हमारी 10 साल की नौकरी में। क्या बात कर रहे हो साहब? तो फिर पढ़े लिखे हैं एक वो मास्टर जी और इसका भाई अमर, उन्होंने कितना चाहा फिर भी कोई नहीं पढ़ता। कहते हैं वो मास्टर यहाँ आया था तो गबरू जवान था, आज देखो इतने सालों में सर के आधे बाल सफेद हो गए, फिर भी एक छोरे को भी 5वीं से आगे नहीं पढ़ा पाया। कैसे पढ़ा पाएंगे, पढ़ाई लिखाई का महत्व तो कोई समझता ही नहीं, और ये लोग ना पढ़ें वो ही हमारे फायदे में है। देखो कितना बड़ा फायदा है। कुसुम दीदी, अरे कुसुम दीदी, तूने ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग तुझे यहाँ पकड़ कर ले आए हैं? अमर, मैंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने धोखे से अंगूठा लगवा लिया मेरा। अंगूठा? कैसा अंगूठा? ए अमर के बच्चे, तू बिना इजाजत थाने में कैसे घुस आया रे, चल बाहर निकल। तमीज से बात करो मेरे साथ। तमीज की ऐसी तैसी तेरी, मुझ पर रौब झाड़ता है? अरे इसके साथ तुझे भी अंदर डाल दूंगा, चल बाहर निकल। मैं बाहर निकलने नहीं, तुम ही से मिलने आया हूँ, बता इसका कसूर क्या है? कसूर? बहुत संगीन कसूर है, मुझे पता था तू आएगा, इसलिए मैंने इस बार केस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देख, तेरी बहन के सामने मिली फरियाद, और ये तेरी बहन का इकबाले जुर्म, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, देख उसी ने अंगूठा लगाया है। क्या ये सही है कुसुम दीदी? हाँ सही है, मतलब गलत है, मेरा मतलब है अंगूठा तो मैंने ही लगाया था, पर मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा है। अगर पता नहीं था तो फिर मुझसे पूछा होता, बिना पढ़े ऐसे ही अंगूठा लगा दिया। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया था, सारे गांव को समझाता फिरता हूँ कि पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो, इसके सिवा आज की दुनिया में कोई और चारा नहीं है, पर मेरी बात कोई मानता नहीं, सब हंसते हैं मेरी और मास्टर जी की बातों पर, फिर फंसते हैं ऐसे चक्करों में और रोते हैं नसीब को। पर दोष नसीब का नहीं है, तुम्हारा खुद का है, और ऐसे लोग उसी का फायदा उठाते हैं। अमर साहब, मुलाकातियों का वक्त अब खत्म हो चुका है, अब आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हो। साहब
आप भी ऐसा मत सोचिए कि आपने बड़ा ठोस केस बनाया है, इसमें आपको ही मैं फंसाऊंगा। मुझे फंसाएगा? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें फंसाऊंगा, क्योंकि कुसुम दीदी को पकड़ने तथा हवालात में बंद करने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। इसके लिए सरकार ने महिला पुलिस की व्यवस्था की है, पर आप जैसे लोग ये समझते हैं कि यहाँ दूर दराज के इलाके में इन अनपढ़ लोगों को अपने हकों के बारे में, कायदे कानून के बारे में क्या मालूम। अमर भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से निकालो, कुछ भी करो, मैं मेरी गलती मानती हूँ अमर। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे दीदी, तू तो बड़ी बहादुर है, तू डर जाएगी तो कैसे चलेगा। मैं पढ़ूंगी, पढ़ना लिखना सीखूंगी, चाहे मुझे जेल हो जाए तो जेल में ही पढ़ूंगी। अमर ठीक कहता था, आज के जमाने में पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं, मैं पढ़ूंगी। और उसके बाद मुझे 2 साल की सजा हो गई। वहां पहले ही दिन से मैंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। अमर और मास्टर जी ने मेरी बहुत मदद की, वो मुझसे जेल में मिलने आता था और मेरी तरफ से वो लड़ा, तब जाकर मेरी सजा 2 साल की बजाय 1 साल की हो गई। लेकिन जेल का वो 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि तब मैंने जाना कि अनपढ़ होना कितना बड़ा अभिशाप है और पढ़ना लिखना कितना फायदेमंद है। जेल से बाहर आते ही मैंने दूसरों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, और खास करके औरतों को। अमर ठीक ही कहता था, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। धन्यवाद। ज्ञान बिना नर पशु समाना, कह गए तुलसी संत सुजाना, कक्का जी ने मरम ये जाना, काम बनाए अक्षर ज्ञान।